ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वभदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गोपाल यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे जय श्री कृष्ण जय गोपाल आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों मैं आपको नमस्कार करते हुए आपका स्वागत करता हूं कि आप भागवत गीता के सत्संग समारोह में पधारे हैं श्रीमद् भागवत गीता भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ एक ऐसा गीत है जो सारे अखिल ब्रह्मांड के लिए सुनाया गया है अर्जुन के माध्यम से तमाम जेनरेशंस के लिए पीढ़ियों के लिए श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का भंडार है भक्ति का भंडार है कर्म भूमि है धर्म भूमि है परम पवित्र है श्रीमद् भागवत गीता है हमको बारंबार श्रीमद् भागवत गीता को नमन करना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता को नमन करने मात्र से हमारे हृदय में स्वच्छता प्रकट होती है निर्मलता प्रकट होती है कुछ विशेषता प्रकट होती है गुण प्रकट होते हैं शब्दों में बहुत मुश्किल है श्रीमद् भागवत गीता का मैं ग्लोरिफिकेशन करूं कीर्ति का गान करूं उनकी महिमा का भागवत गीता की महत्ता इतनी महान है कि यदि ये संसार में नहीं हो तो अवश्य ही संसार में अंधकार होगा
ज्ञान प्रकाश फैलाने वाला भगवान का एक सुरीला गीत, जिस गीत की महिमा का वखान स्वयं विष्णु भगवान अपने मुख से कर रहे हैं। फिर भला कोई ऋषि मुनि, कोई महात्मा साधु संत कैसे इन महान शब्दों का, भगवान की वाणी का, भगवान के गाए हुए गीतों का बखान कर सकेगा, उनकी महत्ता का। भागवत गीता सभी वेदों का सार स्वरूप है, शास्त्रों का निचोड़ है, उपनिषदों का मंथन किया हुआ एक रस है, अमृत है। शब्दों में कैसे श्रीमद् भागवत गीता की महत्ता का वर्णन करूं? मैं दासों का भी दास, एक छोटा सा दास आपकी सेवा में हूं, और जैसे भी गुरु महाराज की कृपा से या उस परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से मुझे जैसा भी ज्ञान है, मैं कुछ बखान करने जा रहा हूं और ध्यान दे रहा हूं उन श्री चरण कमलों का, जिन कमलों के ध्यान करने से ये संसार का मल नाश होता है, परम मुक्ति प्राप्त होती है। ओ भगवान के चरण हैं, बंदो चरण कमल हरिराई, जय हो। मेरे गुरु महाराज के चरण कमलों का ध्यान करता हूं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षाद परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान विष्णु धरा देवी को उपदेश करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता की महत्ता का बखान करते हैं, बड़े ही गदगद हृदय से उन बखान किए गए उनके वाक्यों में से श्री मुख से निकले हुए श्लोकों में से मैं आपको कुछ बोलूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं धरा देवी को, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान, विष्णोः पदम एवाप्नोति भय शोक आदि वर्जितम्। हे धरा देवी, हे भूदेवी, हे अखिल ब्रह्मांड, ये गीता शास्त्र इतना पवित्र है, इतना उज्ज्वल है, पावन है, जो इसको प्रियतः प्रिय समझ करके, हृदयांगम करके, हृदय में धारण करके, श्रद्धा और भक्ति के साथ जो इसको नित्य पढ़ता है, उसके सारे भय और शोक खत्म हो जाते हैं, निर्भयता को प्राप्त हो जाता है, आनंद मग्न हुआ परमात्मा के गुण गाता है और गुणगान करता हुआ परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लेता है, परम पद को प्राप्त कर लेता है, उस परमेश्वर के धाम को प्राप्त कर लेता है, साक्षात परमात्मा के सानिध्य में पहुंच जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान, विष्णो पदम एवाप्नोति भय शोक आदि वर्जितः। भय क्या है? हमारे संसार में आना ही भय है क्या? नहीं,
संसार में आना तो भय नहीं होना चाहिए। यदि आप संसार में रहते हुए परमेश्वर की शरण में हैं तो फिर भय कैसा? यदि आप सत्य की शरण में हैं तो भय कैसा? यदि आप सतमार्ग पर जा रहे हैं तो भय कैसा? यदि आप परमेश्वर को पहचानते हैं तो भय कैसा? भय तो तभी होगा ना जब आपका ये रथ, शरीर रूपी रथ, ये पांच इंद्रियों को लेकर के, पांच घोड़ों को लेकर के गलत मार्गों पर भटकेगा। चोर को भय होता है, सत्य को नहीं। डाकू को भय होता है, जय गोपाल। जय गोपाल, जय श्री कृष्ण। भागवत गीता की महत्ता का यहां पर प्रवचन किया जा रहा है। भगवान विष्णु कह रहे हैं धरा देवी को, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान विष्णोः पदम एवाप्नोति भय शोक आदि वर्जितः। तो मैं कह रहा था कि ये भय किस चीज का है संसार में? हमको, हम बुरे कर्म करेंगे तभी तो हमको डर पैदा होगा। सत्य को भय नहीं पैदा होता, सत्य कभी नहीं डरता। सत्य तो उस भगवान का स्वरूप है, वो कैसे डरेगा? लेकिन बुरे कर्म करने वाले को अवश्य ही भय पैदा होगा। चोर चोरी करने जाता नहीं, उससे पहले जब विचार उठते हैं चोरी करने के, वो भयभीत होना शुरू हो जाता है, भयभीत होता है। चोरी करता है तब भी भयभीत होता है, चोरी कर चुका होता है, अपने घर पहुंच चुका होता है तब भी वो भयभीत बना रहता है। और उन चोरी के पैसों को जहां भी वो खर्च करता है तब भी उसको भय ही पैदा होता है कि शायद कोई पूछ ना ले कि ये पैसे कहां से आए, पोल ना खोले। हमको ऐसे कर्म करने चाहिए जो हम निर्भय बने। श्रीमद् भागवत गीता आपको ये मार्ग दिखलाएगी कि आप निर्भय बनेंगे, आपको संसार के शोक, विघ्न, बाधाएं नहीं उपस्थित होंगी। ये भगवान विष्णु उपदेश कर रहे हैं धरा देवी, भूदेवी को, हम समस्त को। तो हम भगवान विष्णु की माने तो हम सुखी बनेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि वो मेरे पद को भी प्राप्त कर लेता है। विष्णु पद क्या है? विष्णु पद है अमर पद, वैकुंठ का पद, इटर्निटी। जो व्यक्ति यहां से मुक्त हो जाता है, सत्कर्म करता हुआ, भगवान का भजन करता हुआ, वो इटर्निटी को प्राप्त होता है, भगवान के धाम को प्राप्त होता है, परम धाम का वासी बनता है, भगवान के सानिध्य को प्राप्त होता है, भगवान के समीप चला जाता है। दूसरे श्लोक में विष्णु भगवान कह रहे हैं, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। हे धरा देवी, जो प्राणों से प्रिय समझ करके श्रीमद् भागवत गीता का नित्य पठन करता है, अध्ययन करता है, ऊपर के श्लोक में भी अध्ययन का ही उपदेश है जो पहले श्लोक कहा है।
लेकिन उसमें अध्ययन के साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता की पवित्रता का बखान हुआ है। सबसे पहले पवित्र ही होगा वो ही तो आपको पवित्र करेगा। अपवित्र कैसे आपको पवित्र करेगा? श्रीमद् भागवत गीता परम पवित्र है, पवित्रता ही धर्म है, पवित्रता ही ज्ञान है। जिस ज्ञान में पवित्रता नहीं वो तो अज्ञान है। पवित्रता ही कर्म है, जिस कर्म में अपवित्रता है वो कर्म नहीं कहा है गीता में, उसको कुकर्म या विकर्म कहा है, जो गंदे कर्म है। पवित्र है, सद्गुरु है, पवित्र है तो ज्ञान पवित्र मिलता है। गीता परम पवित्र शास्त्र है, गीतोपनिषद है, भगवान का गीत है। गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परश्च नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। मेरे भाई और बहनों, जो व्यक्ति इस गीता का और गीता को अपने प्राणों से भी प्रिय समझ करके अपने हृदय में धारण करके सम्मानित करके इसका नित्य अध्ययन करता है, प्राणायाम परश्च प्राणों से भी अधिक प्रिय इस ज्ञान को अंगीकार करते हुए, स्वीकार करते हुए, शिरोधार्य करते हुए, भगवान की अनुकंपा कृपा समझकर जो इसका अध्ययन करता है। गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परश्च नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। वह व्यक्ति किसी भी रूप में कभी भी किसी भी देश में किसी भी काल में पापों में नहीं उलझता। गीता उसको मार्गदर्शन करवाती है। जो गीता का प्रेमी है वो पाप कैसे करेगा? वो तो निष्पाप बनाती है। अर्जुन को भगवान उपदेश करते हुए बार बार संबोधित करते हैं, हे निष्पाप अर्जुन। अर्जुन भगवान के अंतरंग भक्त हैं, सखा हैं। हमको बनना है, हमको भी भगवान का अंतरंग सखा और भक्त बनना है, इससे कम नहीं। लेकिन हम अभी ट्रैक पर नहीं चढ़े, पटरी पर नहीं चढ़े। पटरी पर चढ़ जाए तो एक दिन अभ्यास योग युक्तिन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानु चिंतयन। ये परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ये आपकी दृष्टि में होंगे, दिव्य है भगवान। हे पार्थ, उनका चिंतन कर, उनका चिंतन कर, प्रभु का अभ्यास कर। अभ्यास योग युक्तिन चेतसा, चित्त नान्यगामिना, अन्यत्र नहीं जाता, उनके चरणों में स्थिर हो जाता है। जिनका चित्त स्थिर हो गया वो भगवान की असीम कृपा प्राप्त कर लेते हैं, वो ही परमानंद के हकदार बनते हैं। भगवान अभ्यास करवा रहे हैं हम सबसे, अभ्यास करो। अर्जुन ने पूछा एक जगह पर, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, जैसे एक वेगवती वायु को बांध देना बड़ा दुष्कर है, ऐसे मन को एक जगह केंद्रित करना तो बड़ा दुष्कर है, यह तो बड़ा चंचल है। कैसे मैं इसको वश में करूं? जब मैं आपका भजन करने बैठता हूं यह जगह जगह दौड़ने लगता है।
जब मैं आपका ध्यान करता हूं तब भी वही दशा होती है, ध्यान में चित्त नहीं लगता। असंशयम महाबाहो, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेयो वैराग्येण च गृह्यते। ये तो निश्चित ही है कि ये मन चंचल है, लेकिन हे अर्जुन अभ्यास से और वैराग्य से तू इस मन को वश में कर सकता है, मेरी भक्ति में लगा सकता है, मेरे ध्यान में लगा सकता है, तू मुझे प्राप्त कर सकता है। जय गोपाल।